हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो करते हैं दिन की शुरुआत। आज हम बताने वाले हैं अपना ट्रैवल रूटीन। सीरियसली, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम क्या क्या चीजें करते हैं, कैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और 9 बज गए हैं, मैं उठ गया हूँ, बट ये लड़की ये अभी तक सो रही है। ऐसा ही होता है, मैं उठ जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, बट ये सोती रहती है। फिर ब्रेकफास्ट के लिए भागते हैं हम। प्रेरणा, उठ जा। अबे आज वीडियो बन रही है, सबको पता लग जाएगा तेरी सच्चाई। तो बस यही होगा, इसको हम उठाते रहेंगे, ये उठेगी नहीं। A few moments later. सुबह हो गई मामू, मामू। सुबह सुबह उठा देता है और फिर मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है। कम से कम मुंह तो धोने दे मुझे। Hey guys, good morning. And अभी वेकेशन रूटीन तो स्टार्ट कर दिया है, बट थोड़ी मॉर्निंग की गड़बड़ हुई है क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं और हमें कॉल आ गया कि ब्रेकफास्ट रेडी है, 10 o'clock बंद कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हर्ष, कहाँ चढ़ रहे हैं? मैं योगा कर रहा हूँ, मैं बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर्ष गिर जाएगा, सीधा गिरेगा और पीछे जो कुर्सी में गिरेगा। तू पागल, तू गिरा देगी, तू जा ना अंदर यार, जा। ये फिर चढ़ गया। अरे यार, ये क्या करामाते कर रहे हैं आज। मुझे लग रहा है यहाँ के बंदरों से इंस्पायर हो गया हर्ष, कह रहे मैं भी चढ़ूंगा पेड़ पे। जल्दी चल यार, ऑलरेडी लेट हो गए हैं, ऑलमोस्ट 9:50 हो गए हैं, 10 बजे तक ब्रेकफास्ट है, अब भागना पड़ेगा। कल 10:30 बोला था, ये गलत। अरे रहने दे, तेरे साथ हमेशा यही है। भाग यार भाग, ये हमारा वेकेशन है, हम भागते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं। भागते भागते ब्रेकफास्ट करते हैं, इसके बाद हमारा 12 o'clock का स्पा का अपॉइंटमेंट भी बुक्ड है। एनीवे, खाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद नेचर वॉक करेंगे, आपको दिखाएंगे कितना खूबसूरत है जहाँ पे हम ठहरते हैं। मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट डेलिकेसी है, मैं जरूर खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। और हर सो छोले भटूरे खाएगा एज ऑलवेज। सामने पड़ा है भटूरा और ये खा रहे हैं डोसा। डोसा भी जरूरी है यार, खाओ खाओ, भटूरे भी टेम्प्टिंग है यार, वेरी टेस्टी। गाइस, अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, स्पा पे जाने से पहले हम जाने वाले स्विम करने, एंड आई एम ऑल सेट फॉर द स्विम। और मैं लगाने वाली हूँ क्रीम। सनस्क्रीन लगानी बहुत ज़रूरी होती है स्विमिंग पूल जाने से पहले, बिकॉज ऑफ कोर्स स्किन बहुत हार्म होती है। तो चलो क्रीम लगाते हैं, चलते हैं स्विम करने, स्विम के बाद वहीं से जाएंगे डायरेक्टली स्पा। लेट्स गो गाइस। तो बहुत ही मजे से इतने अमेजिंग पूल, इन्फिनिटी पूल में स्विमिंग करने के बाद ये देखो, ये भाई साहब अंदर ही नहीं आए, इनको आती ही नहीं स्विमिंग। वर्ल्ड क्लास स्विमर है यार ये, वर्ल्ड क्लास स्विमर, थोड़ा कम स्विम करते हैं। नाउ इट्स द फेवरेट टाइम ऑफ द एंटायर डे, स्पा टाइम। स्पा करा ली, रिलैक्स हो गए, इतनी बॉडी रिलैक्स है, अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। तो हमारे साथ में यूजुअली यही होता है, कहीं से भी बाहर आए, वापस आके सीधा बेड पे जाके कूदती है और सो जाती है। अब लंच आ गया, इसको उठाते हैं और लंच करते हैं। हर्ष, तू यहीं पे लंच कर, मैं जा रही हूँ अपना लंच विद अ व्यू। लंच हो गया है, बहुत ही टेस्टी लंच था, तो चलो चलते हैं, बाहर घूमने का प्लान है। ऑलमोस्ट 10,000 ड्रेसेस चेंज करने के बाद फाइनली ये लड़की तैयार होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। तो यही होता है वेकेशन पे, और क्या, 5-10 ड्रेसेस चेंज करो, फिर पता लगता है कि सबसे अच्छा क्या लग रहा है, फिर मेकअप करो, उसके बाद ही निकलते हैं। 5 minutes later. हाँ जी, तैयार है तू? तैयार है ना? बाहर आओ। ये क्या कर लिया तूने प्रेरणा, फिर से जकूजी भर दी? तो और क्या करने आया, वेकेशन किस लिए होती है, यही हमारा रूटीन होता है हर वेकेशन पे। ये देखो, मुझे कह रहे थे कि क्या करना है और खुद सबसे पहले चला गया। हर्ष, जकूजी का सारा पानी गंदा कर दिया, मेरे को तो नहाने देता पहले। यार जब तूने कहीं जाना ही नहीं, मैंने कहा बाजी मार लूं पहले ही मैं। ए बहुत चंटा है, क्या रिलैक्स है, व्यू इतना बढ़िया है यार, यहाँ से कौन छोड़ के जाएगा ये व्यू। और यार ये गुब्बारे वाले पूल का तो मजा ही अलग है। गुब्बारे वाले पूल का इतना फोम। Later that same evening. ये मैडम लेक देखने आई थी, इतनी धूप देख के ना हालत बुरी होगी, और कह रही है चलो पकोड़े खाते हैं, तो एक शॉप पे रुके हैं, जूस और पकोड़े खाएंगे। लेक सिर्फ 200 मीटर दूर है हर्ष, पर सर इतना घूम गया ना, इतनी धूप एकदम से कहाँ से आ गई। मैं कह रही हूँ बीच पे चलते हैं, बीच फन करते हैं, उसके बाद चलेंगे वापस अपने होटल। ऐसा ही होता है जब गर्मी ज्यादा होती है ना, तैयार होके आओ और गाड़ी में बैठो, एसी की हवा खाओ और पाइनएप्पल जूस पियो। एंड यहाँ पे हम आ गए हैं साइट सीइंग के लिए, और ये जो इतने सारे टी फील्ड्स हैं, यहाँ पे हर्ष अपना ड्रोन उड़ाने वाला है।
गया जिसका अफसोस था, जिसका डर था। हर्ष ने ड्रोन क्रैश कर दिया है और पता नहीं एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ से जाएगा, अब क्या करेगा मुझे नहीं पता। मुझे तो लग रहा है खत्म, टाटा बाय बाय। वो पड़ा, ओ माय गॉड, मेरे को लगता था ड्रोन बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये देखो यहाँ पड़ा हुआ है, और ये बेचारा हर्ष कहाँ कहाँ से जा रहा है। ध्यान से, कल हमने सांप देखा था पता है ना, काट कूट ना ले तेरे को। पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया ड्रोन। आराम से आराम से आराम से, बी केयरफुल। मर गया, जिंदा है पता नहीं, उड़ा के देख ले यार कहीं जिंदा है अभी। यार दिखाइयो, ऑपरेशन कराना पड़ेगा इसका। ओह गॉड यार, ये आज ही होना था यार। ये कैसे हुआ यार हर्ष, तेरे को बिल्कुल उड़ाना नहीं आता यार। यार मैंने तो ऑटो मोड चलाया था, मुझे क्या पता था ये होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ मैनुअल करते हैं, सौ सौ बार कहती हूँ मैनुअल करते हैं। जब से ड्रोन लिया ना, रोज यही सोचता रहता है क्रैश हो जाएगा क्रैश हो जाएगा, और सही में आज हो गया। मतलब कहाँ हुआ है वो भी, टी प्लांटेशन के अंदर जाके। ये तो शुक्र मनाओ कि कहीं ऊपर नहीं गया। ये मेरे को कहता रहता था कि ये ना स्मार्ट होता है, बहुत स्मार्ट होता है, अपने आप ऊपर नीचे हो जाता है। पता लग गया कोई नहीं होता, अगर तुम भी ले रहे हो ना गाइज ध्यान रखना। ओके निकलते हैं आगे, देखो आज और क्या क्या खराब होना बाकी है, देखते हैं। देखो कितनी ब्यूटीफुल है वैसे। भाई साहब अगर थोड़ा सा भी आपने राइट ले लिया ना, आई मीन लेफ्ट, तो गाड़ी गई खाई में, पता है मतलब खाई मतलब कि नीचे। क्या करोगे फिर? ड्रोन तो गया ही, अब गाड़ी भी जाएगी। अरे कितना गलत बोलता है यार। मैं बाद में बैठूंगी, पहले गाड़ी निकाल ताकि मैं गिर जाऊं गाड़ी के साथ। नहीं, ताकि मैं हेल्प कर सकूं तेरी, डायरेक्शंस दूंगी ना। कितना गलत बोलता है, उल्लू समझता है मुझे। चलो गाड़ी तो निकल गई, कहाँ चढ़ा दी इसने गाड़ी, उदास है बेचारा। ठीक है बस बस बस, और नहीं। और बस ऐसे ही हमारा वेकेशन का रूटीन खत्म हो जाता है। हर्ष यहाँ फोन पे बिजी, डिनर ऑर्डर एंड बाय बाय, गुड नाइट।